तो फ्रेंड्स नहा के आ गई हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी बाथरूम साफ हुई है। तो अच्छी तरह से बाथरूम को साफ कर लिया और उसके बाद हेड वॉश करके नहीं नहाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए अच्छी तरह से नहा के बाल अभी सुखा रही हूँ, थोड़ा सूख जाएगी फिर बाकी काम होगी। तो यही है, बाथरूम साफ करने का बाद हेयर वॉश तो बनता है। अब ये देखिए बाथरूम कितना गंदा हो गया है, यहाँ ऊपर में झूल हो गया है थोड़ा, देखिए साइड साइड कॉर्नर्स में और विंडोज़ में। तो ये जो झूल हुआ है ना, इसको झूल झाड़ू से मैं आज निकालूंगी। और झूल झाड़ू से काफ़ी ऊंचा है लेकिन झूल झाड़ू भी लंबा है, मैं अच्छा से इसको निकाल दूँगी। उसका बाद फ्लोर वॉश कर लूँगी, बेसन वॉश कर लूँगी, कमर क्लीनिंग कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें क्लीनिंग हो जाएगी। तो झूल झाड़ू आ गई है और काम शुरू हो गया है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि बरसों बाद ये काम मैं कर रही हूँ और झूल झाड़ना एक अजीब लगता है मुझे, झूल झाड़ना, खड़े होके झूल झाड़ना मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा। तो जो भी हो मैंने इसको कर लिया है। तो बस कॉर्नर वॉर्नर इधर उधर दरवाजे पर हर जगह कुछ ना कुछ धूल, तो वेब जो स्पाइडर वेब वो तो है ही है, तो इसीलिए बस अभी इस तरफ थोड़ा कर रहे हैं, उस तरफ हो गया है, इस तरफ का थोड़ा कर ले रहे हैं। और नीचे थोड़ा धूल जो है ना, धूल वूल वो सब नीचे गिर रहा है, तो इसीलिए नीचे जो फ्लोर है ना उसको भी तो थोड़ा साफ करना पड़ेगा, पूरा एंड में वो काम होगा। तो अभी ऐसे चल रहा है। और बाथरूम सफाई, इसको जो बाथरूम क्लीनिंग दिखाना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा कैसे लग रहा है, लेकिन आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, बाथरूम क्लीनिंग को कैसे करें, सभी जानते हैं बाथरूम क्लीनिंग को कैसे करना पड़ता है। तो फिर भी मैं अपने तरीके से आपको दिखा रही हूँ। बाथरूम क्लीनिंग वीडियोस सभी लोग वॉच करते हैं कि कैसे कौन बाथरूम क्लीन करे। ये कमर में मैंने हारपिक डाल दिया है और अभी बस थोड़ा इसको घिसना पड़ेगा, तो जो धूल वूल अभी गिरा, ज़्यादा वैसे डर्टी नहीं है, कुछ क्लीन है। और मैं अकेले ये बाथरूम यूज़ करती हूँ तो कुछ डर्टी नहीं है, बस ठीक है, एक बार चला देंगे तो जो भी मैल है वो निकल जाएगा। और हारपिक से एक वो डिसइंफेक्टेंट है, तो एक सफाई अच्छी तरह से हो जाएगा। ब्रश कर दिया है, हाथ धो लिया है, अभी मैं थोड़ा इसको स्प्रे कर दूँगी, इधर उधर बोल दूँ वो निकल जाएगा। तो स्प्रे होने का बाद मुझे एकदम काफ़ी क्लीन लग रहा है, बस एब्सोल्युटली क्लीन नए जैसे हो गया है अभी, बस हो गया और रेडी टू री यूज अगेन। और कुछ भी गंदगी नहीं है, एकदम स्पार्कलिंग क्लीन है। तो यही होता है हम लोग का डेली हाउसवाइफ रूटीन। तो बाथरूम महीना में एक बार हो या 15 दिन में एक बार हो या किसी का वीकली एक बार, तो करना पड़ता है बाथरूम क्लीन, क्योंकि बाथरूम क्लीन नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग बार बार बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से भी हम लोग किचन आते हैं, तो बाथरूम साफ़ नहीं होगा, बेसन साफ़ नहीं होगा, तो यूज़ करने अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। और बाथरूम हर रूम जैसा बाथरूम अगर शाइनिंग हो और क्लीन हो तो यूज़ करने में एक मज़ा आता है। तो ये जो बेसन का जो टैप है ना, वो पानी का छींटा से कभी कभी एकदम एक कैसे ऐशी जैसे एक लगता है, तो ये जो ऐशी लगता है ना, इसको इजीली निकाल सकते हैं आप। देखिए मैंने कपड़े में थोड़ा सा सर्फ ले लिया और कुछ नहीं, नॉर्मल सर्फ से उसको थोड़ा सा घिस दिया है और पानी डाल दिया। अभी मैं ऊपर का मिरर जो है ना उसको साफ़ कर रही हूँ, इससे तो थोड़ा फेना फेना हो रहा है, लेकिन वो एक बार सूख जाने के बाद उस पर पानी छिड़क देंगे तो वो उतर जाता है उसका फेना, और मिरर भी साफ़ हो जाता है। और टैप बेसिन सब मैं सर्फ से कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है, एकदम बिल्कुल नए जैसे साफ़ हो गया है। बस अभी थोड़ा पानी से उसको ऊपर से धो देंगे बेसिन को। ये हैंड वॉश और मग ये सब जो रखा रहता है ना, तो थोड़ा दाग जैसा हो जाता है, तो ये दाग अभी निकल गया है और अच्छा से क्लीन हो गया है, बिल्कुल नए जैसे।
और बेसिन का नीचे जो है ना एक बार चला देना है तो वो साफ़ हो लगती है पूरा नए जैसे। ऊपर का मिरर मैं थोड़ा घिस रही हूँ, बस उसका बाद थोड़ा पानी से धो दूँगी मिरर को और कुछ नहीं करना है। मिरर साफ़ रहेगा तो फेस भी साफ़ लगेगा, क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा और यूज़ करने में अच्छा लगेगा। तो बाथरूम बिल्कुल साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बाथरूम है तो उसको साफ़ नहीं करेंगे। यही सर्फ एक्सल मैं यूज़ करती हूँ। अभी उस तरफ का जो बेदिंग टैप, शावर टैप ये सब है ना, वो भी थोड़ा ऐशी लग रहा है पानी का छींटा से, तो ये जो ऐशी लग रहा है इसको एक बार घिस देने से पूरा वो निकल जाता है और एकदम शाइनिंग हो रहा है। देखिए कैसे शाइनिंग कर रहा है बेसिन का टैप, थोड़ा सा घिस दिया मैंने। तो ऐसे ही इसको भी साफ़ कर देना है, बस पानी डाल देना है, धो लेने से वो उसका जो ऐशी वो सब है ना वो निकल जाता है और बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की जो चमक होती है ना वो आ जाता है। तो टैप्स में चमक रहने से एकदम नया जैसा लगता है और टैप से ऐसे ऐशी लगेगा तो पुराना पुराना लगता है, तो इसीलिए मैं टैप्स को हमेशा धोती हूँ। देखिए अब कितना शाइनिंग हो गया है टैप, बिल्कुल अच्छा लग रहा है और साफ़ सुथरा नया जैसा। और थोड़ा सा मुझे लगा कि चाहिए इसको घिसना, तो इसीलिए मैं उसको फिर से कर ली। बस अभी पानी से धोना है और कुछ नहीं, बस हो गया। तो यही है कि बाथरूम को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, महीना में एक बार हो या 15 दिन में एक बार हो करना तो चाहिए, नहीं करेंगे तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सभी लोग करें। अभी मैं फ्लोर को साफ कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि फ्लोर में जो भी वो थोड़ा दाग मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, फ्लोर साफ ही है लेकिन फिर भी थोड़ा धूल उल अभी गिरा जो, और चप्पल का दाग हो या कुछ भी हो तो उसको एक बार उसको भी थोड़ा सा सर्फ दे के साफ कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नया जैसे वाइट है फ्लोर, तो इसीलिए सर्फ नहीं डाले, स्लिपरी कहीं ना रह जाए। तो ऐसे ही पानी डाल के उसको, पानी से ही ऐसे ही मैं इसको बस झाड़ू चला रही हूँ। साफ हो गया है और कुछ नहीं, और ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है। और वॉल्स भी देखिए बिल्कुल साफ़ है, बस पानी डाल दूँगी। वॉल्स देखिए बिल्कुल साफ़ है और हाथ में कोई भी धूल नहीं है, कुछ नहीं है, और बस ऐसे ही एक बार धो लेते हैं पानी से। लेकिन बिल्कुल नए जैसे हैं वॉल्स, एकदम अच्छा लग रहा है, कुछ भी गंदगी इतना कुछ नहीं लग रहा है वॉल्स पर। हाँ टैप्स और बेसिन थोड़ा ख़राब लग रहा था, लेकिन वॉल्स कुछ नहीं लग रहे हैं, एकदम नए जैसे लग रहे हैं। बस पानी से धो देने से, और फ्लोर पे एक साथ मैंने पानी डाल दिया, एक बाल्टी पानी डाल दिया, वो बह जाएगा सब धूल वूल के लिए, ऐसा कुछ नहीं। काम लगभग ख़त्म हो गया है, बस कपड़ा को धो के मैं रख देती हूँ, फिर बस यूज करूँगी और हो सके तो उसको बाद में बाहर ले जाऊँगी, थोड़ा बाहर में बालकनी में धूप के दिखा दूँगी। बस मुँह को पहले धो रही हूँ, मुँह हाथ थोड़ा धो लेती हूँ, बस धो के अच्छा से नहाने का तैयारी, सब कुछ हो गया काम वाम, मैं वही बोल रही हूँ। और इसी बीच ये पालक पनीर भी हो गया और इधर मटन करी भी हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और मैं थोड़ा यहाँ पास में एक मॉल जाने के लिए निकली हूँ, और फिर आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं एंड होता है, मॉल घूम घाम के घर चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।